रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। अवैध शराब की बिक्री को लेकर नगर के युवाओं ने दिया ज्ञापन। नाबालिग छात्रों से घर घर हो रही है शराब की होम डिलीवरी। बेगमगंज में नगर के सैकड़ों युवाओं ने आज बेगमगंज SDM अभिषेक चौरसिया एवं थाना प्रभारी राजपाल सिंह जादौन को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की है कि नगर के प्रत्येक वार्ड में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। अवैध शराब घर घर डिलीवरी होने से छात्र युवा शराब के नशे में आदि हो रहे हैं। अवैध कारोबारियों पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए ज्ञापन की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बेगमगंज नगर के प्रत्येक वार्ड में अवैध शराब के कारोबारी सक्रिय होकर फोन पर घर घर डिलीवरी के माध्यम से अवैध शराब परोस रहे हैं। यहां तक कि इन अवैध कारोबारियों की गिरफ्त में नाबालिग छात्रों को चंद पैसे की लालच में इस कारोबार में शामिल किया जा रहा है, जिसके चलते नाबालिग बच्चे में भी अवैध शराब की विक्रय के साथ साथ शराब जैसे नशे के आदि हो रहे हैं। आए दिन छोटे बच्चों की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कई परिवार के बच्चे नशे के सेवन कर रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि पूर्व में भी शराब के कारोबार और नशाखोरी के चलते कई मामले सामने आए थे। इन अवैध शराब के कारोबारियों पर दूसरी जगह से शराब लेकर आते हैं और प्रत्येक वार्ड मोहल्ले में शराब के ठेके पर मिलने वाली शराब को कम कीमत पर फोन पर आसानी से शराब उपलब्ध करा देते हैं, जिसके चलते युवा आसानी से शराब मिलने के चलते शराब के नशे के आदि हो गए हैं। इसमें पूर्व में भी बेगमगंज पुलिस द्वारा एक कार में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी थी। अवैध शराब के मुख्य कारोबारी बच जाते हैं और गरीब तबके के बच्चों को पैसे का लालच में फंसाकर उनसे यह धंधा कराया जाता है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय होकर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। ज्ञापन में अवैध शराब बिक्री करने वाले लोगों के नाम भी दिए गए हैं। पुलिस चाहे तो उन पर शिकंजा कस सकती है। अवैध शराब की बिक्री को लेकर नगर के युवाओं ने दिया ज्ञापन। नाबालिग छात्राओं से घर घर हो रही है शराब की होम डिलीवरी। बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। लवकुश सेना ने जुलूस निकालकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के साथ संपूर्ण देश में कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, माली, दांगी, हरदा, कसवाहा, कन्नौजिया आदि महापुरुष पुरोधाओं को अपमानित किया जा रहा है तथा समाज के लोगों के खिलाफ मानव संगठित होकर साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। उन लोग अत्याचार जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लवकुश सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर योगेश सिंह कुशवाहा ने के मार्गदर्शन में जगदीश मंदिर से जुलूस और नारेबाजी करते हुए निकाला गया। जाकर तहसील कार्यालय पहुंचे महामहिम राज्यपाल का नाम ज्ञापन सौंपा। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।